बच्चा जितना पुराना होता है उतना ही खतरनाक होता है। इस हीरो को मैं दौड़ाऊंगा, घोड़ा भी हीरो बनेगा, पैसे भी हो लगाएगा। कितने बजट के साथ रेस 4 कर सकती है अच्छा कलेक्शन, क्या रहा था बाकी पार्ट्स का कलेक्शन। हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रैड स्टूडियोज के दिलचस्प गलियारे में। रेस फ्रेंचाइजी की इस इंडस्ट्री में एक अलग ही पहचान है, इसने न केवल इंडिया में बल्कि पूरे वर्ल्ड में नाम कमाया है। रेस के हर पार्ट में मेकर्स की काफी मेहनत झलकती है। ये पूरी फ्रेंचाइजी अपने एक्शन थ्रिलर और रोमांस सीन्स के लिए लोगों का दिल जीत चुकी है। इस फ्रेंचाइजी के 3 पार्ट्स आने के बाद ये अभी काफी आगे तक चलने वाली है। अभी फिलहाल इसका 4th पार्ट आने वाला है जिस पर काम शुरू कर दिया गया है। इस बार हमें लीड रोल में सैफ अली खान दिखाई दे सकते हैं। सैफ अली खान को इस फ्रेंचाइजी का मेन फेस माना जाता है। रेस 1 और 2 में सैफ के होने से ही पूरी फ्रेंचाइजी ऊंचाई छू पाई थी। वहीं पार्ट 3 में हमें सैफ की जगह सलमान नजर आए थे। अभी तक तीनों ही पार्ट्स ने बॉक्स ऑफिस पर खूब धमाल मचाया है। अब आ रही है रेस 4। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मेकर 4th पार्ट में कितना पैसा लगाने का सोच सकते हैं, कितने का कलेक्शन करने की उम्मीद रखती है रेस 4? चलिए इस बात पर बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं। रेस 4 को 2023 तक लाने की उम्मीदें हैं। पिछले सारे पार्ट्स को देखते हुए मेकर्स का कॉन्फिडेंस लेवल 4th पार्ट में अलग दिखने वाला है। पहले तो रेस के पिछले पार्ट्स में ही काफी पैसा लगाया गया है, वहीं अब एक्शन की दुनिया में कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि अब आने वाले सीक्वल्स में मेकर्स की जेब अच्छे से खाली होने वाली है। पहले हम आपको रेस के पिछले पार्ट्स के बजट का कलेक्शन बताएंगे, फिर आने वाले 4th पार्ट की बात करेंगे। रेस 1 की बात करें तो इस फ्रेंचाइजी की शुरुआत में काफी ऊपर बजट गया था। 2022 में आई मूवी ने करीब 46 करोड़ रुपए का बजट लगाया था, जो कि उस टाइम के हिसाब से काफी ज्यादा था। वहीं इसके रिजल्ट ने और भी कमाल कर दिखाया था। रेस ने वर्ल्ड वाइड 103 करोड़ से ऊपर का कलेक्शन किया और ब्लॉकबस्टर रही। अब जहां इतना अच्छा रिस्पांस मिला था तो मेकर्स अब कहां रुकने वाले थे। रेस 2 में बजट और बढ़ाया गया और सीधा 94 करोड़ तक पहुंच गया। इसका कलेक्शन भी जबरदस्त रहा। मूवी ने वर्ल्ड वाइड 180 करोड़ का कलेक्शन किया और सुपरहिट रही। अब आया 3rd पार्ट जिसमें सलमान खान नजर आई। 2018 में आई रेस 3 में बजट को और बढ़ाने के साथ ये 180 करोड़ तक पहुंच गया। इस मूवी ने लोगों से नेगेटिव रिस्पांस भी मिला, लेकिन सलमान की फैन फॉलोइंग होने से बॉक्स ऑफिस में कलेक्शन काफी ऊपर गया। इस बार वर्ल्ड वाइड 293 रुपए से ऊपर का कलेक्शन हुआ और फिल्म एवरेज रही। अब आ रही है रेस 4। इस बार नेगेटिव रेस्पॉन्स से बचने के लिए एक बार फिर लीड रोल बदला जा रहा है और सैफ को वापस लिया जा रहा है। पिछले पार्ट्स को देखते हुए इसका बजट 200 करोड़ से ऊपर आराम से जाएगा। वहीं अब सैफ की वापसी से मूवी एक बार फिर ब्लॉकबस्टर हो सकती है और बॉक्स ऑफिस में अच्छा कलेक्शन कर सकती है। रेस 4 में ज्यादातर नए कैरेक्टर दिखाई दे सकते हैं, जिससे लोगों का मूवी के लिए इंटरेस्ट और बढ़ सकता है। आप रेस 4 पिछले पार्ट से क्या अलग देखना चाहेंगे, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बॉलीवुड की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए बॉलीग्रैड स्टूडियोज। धन्यवाद।